DTV ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन रे क्लिक करंतु। आज भोर प्राय 4टा बेले दिल्ली रो एक होटल ऑर्किड पैलेस रे शॉर्ट सर्किट जोगु निया लागि जबा जोगु 17 जनकर मृत्यु घटिछि। पांच महला विशिष्ट एही होटल रे निया लागिथिबा नै सूचना पाइबा परे 26टी दमकल आसी घटनास्थल रे दमकल बाहिनी सदस्य माने पहुंचि निया को आयत्त करबा सहित होटल रे फसी रहितबा लोकंगु उद्धार करथिले। होटल रे केमिति निया लागिला ताहर कारण ए जाय स्पष्ट होइ नै। किछि दिन तळे नोएडा रे सेक्टर 12 स्थित मेट्रो हार्ट हॉस्पिटल रे निया लागि जायतिला तबे एथिरे केही मृताहत होइ नथिले। भवानीपाटना सहर बस्ती बासिंदा स्थायी घरडीय पट्टा प्रदान करने जन्ममाटी सुरक्षा संग्राम समिति पक्षर भवानीपाटना 16 घंटिया बंद डाकरा दि जाए। समितिर आह्वान क्रमे आज भवानीपाटना सहर में दोकान बजार सह गाड़ी चलाचल भी बंद रही। समस्त शिक्षानुष्ठानगुड़ी बंद रु बाद दि जाए। आज हूँ पवित्र माघ सप्तमी अवसर में आज चंद्रभागे बुड़ पक लक्षाधिक श्रद्धा। महानदी को नहीं ओडिशा और छत्तीसगढ़ मध्य जो बिवाद देखा जाइछि से संपर्क में पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक विवादीय बयान एवं चर्चा। निरंजन कहते महानदी समस्यार क्रिएटर होउछन्ती बीजेडी सरकार। महानदी प्रसंग में आपोस बुझामणा करने को सुप्रीम कोर्ट कहिले एथिरे छत्तीसगढ़ सरकार राजी अछन्ती बीजेडी सरकार असुविधा केउठी होउछि। से आहुरी कहते आपोस समाधान पर छत्तीसगढ़ नहीं करूनी ओडिशा सरकार आग को बढ़ुना कहीं महानदी जो छत्तीसगढ़ किसी भी समस्या होड़शार ही क्षति हो। पवित्र माघ सप्तमी अवसर में आज आरंभ हो खंडगिरी महाकुंभ मेला शहश संख्यार एकाठी हे साधुसंथ। ओडिशा समेत उत्तर भारत काशी और वाराणसी बहु साधु सन्यासी को एठार दर्शन करार सुजोग मिल। 15 और 16 तारीख राज्य में वर्षा सह झड़ तोफान होवार संभावना रही शिक्षा और अनुसंधान डीएमडी यूनिवर्सिटी परिवेश और जलवायु केन्द्र तरफ सूचना देते। सदर महकुमा मुख्य चिकित्सालय रे डाक्तर अभाव विपर्यस्त रोगी सेवा और पुराणा डाक्तरखाना को पीपीपी मोड रे पुणि चालू करने दाबी जिला बीजेपी पक्ष आज 12 घंटिया ढेंकानाल बंद डाकरा दि जाता। बंद जो दुकान बजार बंद रहा बेले बस चलाचल संपूर्ण बंद रही। बंद को आखि आगे रखी ढेंकानाल कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर। गत 3 मास हेला राशन कार्ड पर पंचायत और ब्लॉक कार्यालय को दौड़ी दौड़ी निराश है। कटक जड़े महिला आत्महत्या उद्यम करापी ब्लॉक कार्यालय छात्र अभियोग अनुसार बबिता गत डिसेंबर मासरे वीडियो सैयद आरिफ हसन को भेटी राशन कार्ड पर हिताधिकारी भाव चयन करने आवेदन करते वीडियो से ही दरखास्त उपर दस्तखत करने सहित तदंत करने ब्लॉक जोगाण अधिकारी सुपारिश करते तेज जोगाण अधिकारी आज पर्यंत तदंत नक बबिता बारंबार कार्यालय को दौड़ाऊ। बबिता उत्क्षिप्त हो निजर शिशुकन्या को धरी गतका ब्लॉक कार्यालय में पहुंची जोगाण अधिकारी देखा करते कथबार्तार संतुष्ट न हो बबिता जोगाण अधिकारी कार्यालय छात उपरक चढ़ी आत्महत्या करने को उद्यम करते। किडनी महामारी रोग सृष्टि करुवा भारत विरल मृत्तिका लिमिटेड मोनोजाइट प्रक्रियाकरण को निषेध करने सहित शिक्षित युवक युवती आईटीआई तालीम प्राप्त आयर में निजुक्ति और मोनोजाइट प्लांट को तुरंत बंद करने को दाबी जोर धरी। से आज 8 दफा दाबी नहीं मानवाधिकार सुरक्षा मंच तरफ घंटपिटी जिलापा कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन कर। जिला प्रशासन यह दाबी को गुरुत्वर सहित विचार नक आंदोलन को आगामी दिन में व्यापक हो संघ पक्षर चेतावनी दि जाए। बणई उपखंड कोईडा थाना अंतर्गत कोईडा मुख्य छक उपरे बाइक और लाइन ट्रक दुहे मुहांमुही धक्का हेबा फळरे बाइक चालकों मृत्यु घटी। मृत बाइक चालक जनक हेले तंत्रा अंचल जोगेन मुंडा। पुलिस घटनास्थल में पहुंची शबकू जबत करने घटनार तदंत चल। नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षर गत 6 तारीख में होता चाषी राली में पुलिस प्रशासन माड़ प्रतिवाद संगठन शह शह चाषी आज खलिकोट्र मुख्य रास्ता अवरोध करने सहित प्राय 2 घंटा धरी जातीय राजपथ को जाम कर दे। प्राइस प्रेस्टीज और पेंशन दाबी नवनिर्माण कृषक संगठन हजार हजार चाषी राजधानी को विक्षोभ प्रदर्शन करने को जाता बेले कमिश्नरेट पुलिस किसी कर्मचारी चाषी को माड़ मार सहित खराब व्यवहार प्रदर्शन करते।
2018 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। କଟକର ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ରୋହନ ମିଶ୍ର। ଦୀର୍ଘ 45 ଦିନ ପରେ ନିଖୋଜ ଯୁବକ ରୋହନଙ୍କ ମୃତଦେହ ପ୍ରାୟ 40 ଫୁଟ ତଳେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବରହମପୁର ସହର ଖଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜନ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରମେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ତାରକା ହରିହର ମହାପାତ୍ର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅପରାଧ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରଶାସନ ଉପେକ୍ଷା ଏବଂ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦିଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବରହମପୁର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବରହମପୁର ସାଂସଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରତିନିଧି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ଯୋଡ଼ା ଇଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ମାଇନ୍ସରେ ଏକାସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେବା ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାର ଶବ୍ଦ ହେବା ସହିତ ଥରି ଉଠିଛି ସାରା ଯୋଡ଼ା ସହର, ଯାହାଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କୋଠା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।